भोकर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सुजाउद्दीन। जब भी किसी शिक्षक को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो समाज के सभी लोग बड़ी ही खुशी के साथ उस सम्मान पर गर्व महसूस करते हैं। हेडमास्टर जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल भोकर तथा केंद्रीय प्राइमरी कन्या स्कूल भोकर के केंद्रीय प्रमुख शेख जकीउद्दीन मुनीरुद्दीन को जिला परिषद शिक्षण विभाग की ओर से जिला शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेख जकीउद्दीन की तालीमी, समाजी, सखाफती खिदमात को देखते हुए उन्हें साल 2019-20 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कुसुम सभागृह नांदेड़ में जिला परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर शेख जकीउद्दीन को तालीमी, समाजी, सियासी, सखाफती लोगों की ओर से शुभेच्छा मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस साल 2019-20 का गुरुगौरव पुरस्कार जो हर तालुके से एक को दिया जाता है, उसमें से भोकर तालुके में से मैं मुख्याध्यापक उर्दू स्कूल भोकर, मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुसुम सभागृह में सत्कार किया गया। और इसमें गए 30 साल से मेरी जो कारगुजारी है, मैं 17 साल धौरी टंडे पे था, मोघाली और किन्नौर तालुके में 8 साल, फिर मैं यहाँ 2014 में आया और 2014 के बाद ये स्कूल को लोक वर्गनी 50,000 रुपये कर डिजिटल स्कूल यहाँ पे बनाया गया लोगों के टाउन से। उसके बाद लोकवाटा 50,000 रुपये जमा कर उससे सीसीटीवी कैमरे और प्रिंटर ये भी स्कूल को लोकवाटे से लिया गया। और एक बड़ी कामयाबी, विज्ञान भवन हमारे स्कूल को मंजूर हो गया जो कि महाराष्ट्र शासन का है, वो 8 लाख रुपए का विज्ञान भवन यहाँ पे मंजूर हुआ है, उसका भी अभी इफ्तिताह करना है। तो इतने बड़े यहाँ काम सब चल रहे हैं और ये मेरे 30 साल में साक्षरता अभियान और राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण, वृक्षारोपण और मेरे तरफ केंद्र प्रमुख का भी चार्ज है, उसमें CPS के 13 स्कूल में से 9 स्कूल जो कि डिजिटल हो गए हैं और इसमें पूरे मेरे अधिकारी वर्ग, जिला परिषद के शिक्षण सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन्होंने भी मुझे बहुत बड़ा सहकार्य कर मेरे ऊपर भरोसा कर ये जो गुरुगौरव पुरस्कार दिया है, निश्चित ही इसका बहुत फायदा आगे चलकर मुझे होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नांदेड़ जिले में ये स्कूल, उर्दू स्कूल एक में सबसे पहले डिजिटल होके भी है और ये स्कूल को महाराष्ट्र लेवल तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा और ये मेरी तमन्ना है। यहाँ पर 700 बच्चे तकरीबन यहाँ पे शिक्षण लेते हैं और 22 टीचर के पोस्ट है, जिसमें से 18 टीचर अभी यहाँ पे कार्यरत है। जिला परिषद से गुजारिश है कि वो 4 पोस्ट भी और यहाँ पे रिजल्ट भरने वाले हैं। यह सब टीचरों को, शालेय व्यवस्थापन समिति को साथ में लेकर स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का मेरा मानस है। इंशाल्लाह मैं करूँगा और इस स्कूल को महाराष्ट्र लेवल तक चमकाने की मेरी कोशिश रहेंगी। इतना कहकर